Hello everyone, my name is Meet and you are watching Technical Government Job All Over India YouTube channel. So, आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. काफी दिन से कैंडिडेट से कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि मैम रेलवे टीटीई की वैकेंसीज कब आएंगी, क्या इस बार एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन इस बार होने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाली है. रेलवे की साइट पे अपडेट आया है, उसके बारे में आपको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ. तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना. अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक जॉब अपडेट, चाहे वो रेलवे का हो, SSC, बैंक या किसी अदर का हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए डिटेल में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. बाकी इसके अलावा और भी काफी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, उसको चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं. ज्यादा टाइम वाले इतने सीधा बात करेंगे रेलवे टीटीई के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हो. मेनली वही कमेंट्स देखने को मिल लेते हैं. वीडियो को लास्ट तक देखना, प्यारा सा लाइक कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का. इसके अलावा मैंने आपके लिए एक नया चैनल भी बना दिया है, जो कि आप YouTube में टाइप कर सकते हैं मीत शर्मा चैनल. रेलवे की किसी भी एग्जाम की आप वेट कर रहे हैं या उसकी प्रेपरेशन करना चाहते हैं, YouTube में टाइप करना मीत शर्मा चैनल, आप सब्सक्राइब कर लेना. बात करें हम देखिए रेलवे टीटीई की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पे आप ऑल इंडिया से देखिए अप्लाई यहां पर कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों एलिजिबल है. पोस्ट नेम की यहाँ पे बात करें टीटीई के बारे में, मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की वैकेंसीज के बारे में. इस वैकेंसी के लिए देखिए आप मेल हो फीमेल हो, दोनों ही एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं. आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हो, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें, मेल फीमेल दोनों की इंक्लूड करके 11,587 प्लस है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है तभी आप उसके लिए अप्लाई करेंगे. और कमेंट्स भी यही देखने को मिल रही थी क्या एलिजिबिलिटी में भी कुछ चेंजेस हैं, तो एलिजिबिलिटी की बात करें मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 है, आप अप्लाई कीजिए. प्लस देखिए रिलैक्सेशन यहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट को डेफिनेटली मिलने वाला है, जिसमें ओबीसी की बात करें उनको 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का, अदर्स को एज पर नॉर्म से रिलैक्सेशन मिलने वाला है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे देखिए 10th pass, 12th pass, डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है इस अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत ही रिप्यूटेड प्रोफाइल के लिए ये अपडेट है, अप्लाई आपको इसके लिए जरूर से करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आती है इसके लिए, देखिए अप्लाई फी आपकी क्या रहने वाली है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न. एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे अनडिजर्व कैटेगरी के लिए अगर बात करें, मतलब जनरल ओबीसी AWS के लिए, तो आपके यहाँ पे 500 फी रहने वाली है. ये आपको रिफंडेबल रहेगी जब आप अपना CPT एग्जाम दे देंगे ना. पहले आपका यहाँ पे CPT एग्जाम डेफिनेटली होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. डिटेल में आगे समझाऊंगी कैसे किस तरीके का होने वाला है. जब आप अपना एग्जाम दे देते हैं उसके बाद रेलवे की साइट पे, ठीक है, अलग अलग जोन के लिए लिंक आपको दिया जाता है, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल करते हैं और आपको रिफंड हो जाती है बैंक चार्जेस कटने के बाद. उसके बाद यहाँ पे SC/ST फीमेल के लिए बात करें, 250 रहने वाली है. फीमेल किसी भी कैटेगरी से है उनके लिए 250 एप्लीकेशन की फी है. इसी के साथ रिजर्व की मेल कैंडिडेट के लिए भी सेम फी है, ये भी आपको रिफंडेबल ही रहेगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है. देखिए ये मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज है TTE की, तो सबसे पहले आपने ध्यान से समझना है सिलेक्शन आपकी कैसे इसमें होने वाली है, तभी आप अपना ड्रीम कंप्लीट कर पाएंगे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट की पहले बात करें, देखिए अर्थमेटिक के आपके 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के. उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें, 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे 40 मार्क्स के. उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के रहेंगे. नेक्स्ट अगर बात करें टेक्निकल एबिलिटी से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहने वाले हैं. नेक्स्ट है रीजनिंग से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे. मतलब क्या है कि देखिए 5 सब्जेक्ट है आपका, तो आपके यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के, मतलब ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है. और इसके इसको अटेम्प्ट करने के लिए बात आती है टाइम कितना आपको मिलने वाला है, तो इसमें आपके 120 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, मतलब 2.5 आवर्स का आपको टाइम यहाँ पर मिलने वाला है. अगर आप कोई क्वेश्चन इस तरीके से है कि कोई आप अटेम्प्ट नहीं करते, उसमें कोई भी आपको यहाँ पे डिडक्शन नहीं होगी मार्क्स की, लेकिन अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी डेफिनेटली होने वाली है.
उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपको कुछ भी अश्योर नहीं है आंसर, ठीक है, आप उसको पहले तो बात के लिए रख लेना अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे गलत अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ध्यान रखना है। इससे अच्छा तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है सारा कुछ, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, टाइमिंग आपको क्या क्या दी जाने वाली है, एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ बात करें, सीबीटी एग्जाम आपका होगा जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, उसके बाद यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बेसिस पे ही यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे ना रिक्वायर्ड लिंक्स मिल जाएंगे, यहाँ पे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे इसके नीचे आपको एक और लिंक मिल जाएगा जो कि आपका स्टडी नोट्स से रिलेटेड है सब्जेक्ट वाइज, उस पर आप क्लिक करके उसको एक्सप्लोर करना है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप लेना चाहते हैं वहां से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बात आती है अप्लाई आप कब से कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो अपडेट है, अभी मैंने आपको बताया कि अपडेट आने शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए अगर आपको बताऊं इसके लिए नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से ये वैकेंसीज नहीं आई है, ठीक है, 6-7 साल तो 7 साल से भी ऊपर हो चुके हैं कि वैकेंसीज हमें नहीं देखने को मिली है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट तब भी मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊंगी सबसे पहले, लेकिन इसका हमें शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही देखने को मिल जाएगा। सपोज दैट आप नेक्स्ट मंथ से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 10-12 दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन उनकी ऑफिशियल साइट पे इवन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी देखने को मिल जाएगा। जब आएगा तब मैं आपके लिए जरूर से कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगी। आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं चाहे रेलवे की कोई भी वैकेंसीज आए इसी के साथ SLC बैंक या किसी अदर डिपार्टमेंट की, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।